अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कट एंड सी यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम नाप लेकर बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सीज़र, लेग कर्व स्केल, एल शेप स्केल, मार्किंग चॉक और इंची टेप या मेजरिंग टेप, और एक पेन और एक पेपर जिस पर हम नाप लिखेंगे। ये मेरे पास ट्राउज़र है नाप के लिए। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। ट्राउज़र की जो साइड की सिलाई है, हम उधर की लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ है 37.5 इंच। इसके बाद हम इसके पैंचों को मेजर करेंगे। ये है हमारा 7 इंच, लेकिन हमने बेल बॉटम बनाना है तो हम 12 इंच लेंगे। हम कपड़े को अच्छी तरह सीधा करके इसकी थाई की मेजरमेंट लेंगे। हम आसन की सिलाई से स्ट्रेट मेजरमेंट करेंगे। ये हमारी 13.5 इंच है। अब हम इसकी आसन की मेजरमेंट करेंगे। आसन की मेजरमेंट करते हुए जो दरमियान की सिलाई है वहाँ से लेकर हम ऊपर तक मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 10.5 बनता है। नेक्स्ट हम पैंचे से लेकर आसन की सिलाई को हम मेजर करेंगे। ये हमारा 26.5 बनता है। हम इसका हाफ लेंगे तो वो होगा 13.25। अब हम इसमें 1.5 इंच ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14.25। यहाँ पर हमारा घुटना आता है, यहाँ से हम घुटने की मेजरमेंट लेंगे। हमें जो तैयार चाहिए वो है 9 इंच। घुटने की पैमाइश का एक और तरीका ये होता है कि हम ऊपर से नापकर 21 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से हम अब घुटने को मेजर करेंगे। ये हमारा नाप हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेंगे। इसका ओपन वाला रुख आपकी साइड पर होना चाहिए और ये याद रहे कि मैंने कपड़े को उल्टा करके बिछाया है। अंदर हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। हम अपना एल शेप स्केल लेंगे और इसको यहाँ से सीधा रखेंगे। देखिए हमारा नीचे वाला हिस्सा छोटा है, यहाँ पे कान है। हम इसका निशान लगा लेंगे कि हमारी कान कहाँ तक आएगी, हमने कपड़ा कहाँ तक कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको सीधा कैसे करेंगे, यहाँ से बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और हम अपने निशान तक इसको एडजस्ट करेंगे और फिर निशान लगा लेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कान निकल गई है। नेक्स्ट हम 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और हम इसको मिला लेंगे। ये हमारी ट्राउज़र की बैक साइड है। हम इस पर फ्रंट को सीधा कटिंग करके इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने निशान लगाया है उस तक रखेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। याद रहे कपड़े की खुली वाली साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। ये जो हमने 2 इंच की जगह छोड़ी है, ये हमारी जो बैक साइड पे इलास्टिक आएगी उसकी फोल्डिंग के लिए ही छोड़ा है, और फ्रंट की फोल्डिंग के लिए हम अलग-अलग कपड़ा लगाएंगे। अब हम इस पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा सीम अलाउंस होगा। अब हमारी ट्राउज़र की लेंथ है 37.5। जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उससे स्टार्ट करके 37 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा आसन यहाँ पर 10.5 है तो हम यहाँ से 10.5 पर ही निशान लगाएंगे। हमने कुछ कम या ज़्यादा नहीं करना। अब इनको सीधा कर लेंगे। हम यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे हमारी ये जो कपड़े की कनी है ये हमारी अलग हो जाएगी
याद रहे हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग में इस कनी को शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर ये हमारे ट्राउज़र में आती है तो इससे ट्राउज़र की सिलाई में खिंचाव आता है। तो इसको हमेशा पहले से निशान लगाकर अलग-अलग कर लें। अब हमारी थाई 13.5 है, यानी कि 13.5 इंच, तो हम इसमें से 2 इंच कम कर देंगे तो हमारी 11.5 इंच हो जाएगी। अब हम इस निशान से 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी लगा लेंगे और फिर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना है और इसको राउंड शेप दे देंगे। अब इस निशान से हमारा 0.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे और इसको इस कॉर्नर से मिला लेंगे। नेक्स्ट हम 11.5 इंच का हाफ लेंगे, हमारा हाफ आ रहा है 0.75 इंच पे, तो हम यहाँ पर 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह नीचे भी निशान लगाएंगे। अब हमारा पैंचा 12 इंच तैयार है, तो हम इस निशान से 6 इंच इस तरफ और 6 इंच इस तरफ का निशान लगाएंगे। अब हमने नीचे 3 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, जो कि हमारा पैंचे में फोल्ड हो जाएगा। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। हमने इस निशान से बाहर की तरफ बढ़ाकर निशान लगाने हैं। नेक्स्ट हम घुटने का निशान लगाएंगे। हमारा यहाँ पर 0.15 आया था, तो हम यहाँ से 0.15 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने घुटने की पैमाइश करेंगे। हमारे घुटने की मेजरमेंट जो थी वो 9 इंच थी, तो इस निशान से 4.5 इंच इस तरफ और 4.5 इंच इस तरफ रखकर निशान लगाएंगे। अब हम इसको लैक कर्व स्केल की मदद से शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने ऐसे किया था, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा कर देंगे और फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम इधर से भी शेप दे देंगे ताकि हमारा यहाँ पर कॉर्नर नहीं बने। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने दोनों बल्बों को कट करना है, मींस अगला और पिछला दोनों पार्ट को हम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से भी हम दोनों बल्बों को कट करेंगे। और यहाँ से हम सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को कट करेंगे। यहाँ से हम इस निशान को आगे बढ़ा लेंगे और फिर 0.25 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा निशान बना है, हमने उसे 3.5 इंच आगे एक निशान लगाना है। इधर से हम 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे, इधर से भी। अब इसको स्ट्रेट करके कर्व दे लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से 2 इंच। अब इसको शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस लाइन पर हम डार्ट बनाएंगे। यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ से 0.25 इंच इस तरफ और 0.25 इंच इस तरफ। अब हम इनको मिला लेंगे। फ्रंट वाले हिस्से को हमने इसे 1 इंच नीचे कट किया था,
अब हम इसे 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और फिर उससे ऊपर वाला हिस्सा हमारा फोल्डिंग के लिए रह जाएगा। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इसको मिला लेंगे, इसका ये कॉर्नर और यहाँ से जो हमने निशान लगाया है, अब हम इसको काट देंगे। अब हम इन सब निशानात पर कट लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट हिस्से को पैंचे से फोल्ड करके, जो हमने फोल्डिंग वाला एरिया रखा था, हम जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा दोनों साइड से इसको कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम बैक वाले साइड को भी अंदर फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, इतना हिस्सा हमारा सिलाई में चला जाएगा। हमारी थाई तैयार 13.5 इंच आनी थी, तो ये हमारी यहाँ पे 14 बन रही है। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और बाकी यहाँ पे 13.5 इंच हमारी थाई तैयार हो जाएगी। अब इसकी फ्रंट साइड को फोल्ड करने के लिए मैंने ये पट्टी कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई 19 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे की जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।